वन इट्स लवली कितने का दिया 250 ओनली क्या चाहिए सर हमें यहाँ का नहीं बाहर का माल चाहिए नहीं बाहर का माल हम यहाँ नहीं रखते नहीं बाहर का माल अपने आप अंदर चला है तो आप क्या कर सकते हैं क्या अरे आई है यार क्या कह रहे हैं आप अरे समझता नहीं है यार हम वो माल लेने के लिए आए जो मुफ्त में मिलता है वो माल जो मुफ्त में मिलता है बाहर का सुनिए सुनिए जरा मैनेजर साहब से पूछिए जी मैं और पूछिए कि मूंगफली मिलती है क्या जरा पूछिए मूंगफली भाई साहब जाइए और बोलिए आई लव यू चाचा गुड लक अबे जा यार नहीं यार हेलो हेलो आप बहुत अच्छा गाती हैं आप भी पहली बार किसी का डांस मुझे इतना अच्छा लगा थैंक यू हेलो हेलो चलो चलो आगे चलो लड़की है कि पहाड़ वो दरअसल जनाब बोल रही है अबे क्या कर रहा है यार एक्चुअली अबे बोल दे आई लव यू क्या कह रहे वो दरअसल एक्चुअली हाय 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 चलना जल्दी काउंटर क्लोज हो रहा है चल हमें अरे मुंह से आई लव यू निकल क्यों नहीं रहा यार अरे नहीं निकलता यार जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरा नहीं निकलेगा तो खड़े खड़े बुड्ढा हो जाएगा जोर लगा के हैया दम लगा के हैया निकल 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 दे जा एक कोलगेट टूथपेस्ट 32 कोलगेट टूथपेस्ट 32 हां 32 दांतों के लिए 32 एक सोप डिश 25 सोप डिश 25 एक टॉवल 100 टॉवल एक ब्रा 100 ब्रा आई एम सॉरी बनियान 100 बनियान देखिए ये सब पैक करा के भिजवा दीजिएगा और ये भी ओके अरे चाचा बोल दे बोल दे मुंह से नहीं निकल अरे मन में नहीं मुंह से निकाल चाचा बोल दे जा जोर लगा के हैया एक्सक्यूज मी एक्चुअली मुझे भी आपका डांस बहुत पसंद आया थैंक यू एक्चुअली आई निशा जल्दी चल तो वार्डन चिल्लाएगी बाय बाय चल चल जल्दी चल लीजिए भाई साहब थैंक यू मैनेजर साहब ये बिल कितना हुआ 4,550 रुपए 60 पैसे 4,550 रुपए 60 पैसे इतना महंगा लूट बचा रखी है क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब बिल वही लगाए गए तो इनके दाम है अजी छोड़े छोड़े हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप अजी हमने बहुत देखे आप जैसे 400 बीजे करते हैं नहीं चाहिए सामान आप जैसे सड़क छाप आशिकों से पेमेंट कैसे लिया जाता मुझे मालूम है अजी हमारे पास कुछ है नहीं तो आप लेंगे कैसे बिल कैसे नहीं देंगे आप हम लेंगे कैसे कैसे रामो अशोक शर्मो मुझे पहले मालूम पड़ा था ये सड़क छाप है मूंगफली चाहिए अरे भाग यार कल मार गया पड़ गया भागे ही नहीं जा रहा तुझसे बस बहुत हो गया अपना टायर तो पंक्चर हो गया भाई अब ये गाड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है यार अरे क्या बोर करता है यार सेहत के लिए सुबह सुबह इतनी दूर दौड़ा दिया क्या बात करता है देखा मैं क्या देख रहा हूँ एक काम कर जाकर उसका हाथ पकड़ उसको बोल दे आई लव यू चल जाके अपन बोल देते हैं अरे मैं नहीं तू यार तू जाकर बोल दे आई लव यू जाकर बोल दे अच्छा दम लगा के अरे डोंट वरी यार जाकर बोल दो जय बजरंग बली जय बजरंग जय बजरंग आई लव यू अबे यही खड़े खड़े बोल रहा तेरे दिमाग को क्या हो गया कि यही खड़े खड़े बोल रहा अबे वहां जाके बोल वहां जाके बोल वहां जाके बोलता हूं ना आई लव यू हाय गुड मॉर्निंग हेलो व्हाट अ प्लेजेंट मौसम जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था यही कि मॉर्निंग में जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए मेरे डैडी भी सवेरे सवेरे यहीं पर आके जॉगिंग करते थे ओलंपिक में 2 बार नंबर 1 आए थे और एशियाड में 1 बार रियली नहीं वो ओलंपिक में 2 बार नहीं आए थे वो एशियाड में 1 बार आए थे और ओलंपिक में 2 बार आए थे क्या बोलूं यार अबे बोल बोल मुंह से बोल बोलता हूँ काकी निशा क्या बात है वो बात ये है कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है वाह क्या पकड़ा आपने हमारे आपके ख्याल कितने मिलते जुलते हैं मैं दरअसल तुमसे कुछ और कहना तो बोलिए ना इसमें शर्माने की क्या बात है नहीं 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 इसमें शर्माने की क्या बात है मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था कि मैं आई लव यू निशा अरे बाप रे बच्चे
इधर आकर के लड़कियों को छेड़ता है। लड़कियों को नहीं छेड़ता तो फिर किसको छेड़ता है? क्या बात करते हैं आप? कल रात को एक मैंने फिल्म देखी थी। क्या फिल्म थी वो? क्या हीरोइन थी उसकी? क्या फिगर था उसका? क्या फिगर था? बिल्कुल आपके जैसे ही फिगर था उसका। ए ए ज़बान संभाल कर बात करना वरना तुझे हवालात में बंद करवा दूंगी। हाँ चीखो मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। इतना चिल्लाना आपके नाजुक बदन के लिए मुनासिब नहीं है। अगर बंदी करना है तो आप मुझे अपने दिल के अंदर बंद कीजिए। मत कीजिएगा बाबा। निशा, नो मॉर्निंग वॉक नो इवनिंग वॉक, समझी? मुझसे आकर मिलो। नो मॉर्निंग वॉक नो इवनिंग वॉक। निशा, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कहती है ना, भाई साहब, माताजी, माताजी, माताजी। हम लोग माताजी ऑल इंडिया प्रेस कंट्रोल से आए हैं। इधर का मक्खी और मच्छर को दूर करने का वास्ते। You are right. Oh no, I mean, तुम्हारे नाक के ऊपर मक्खी है, तुम्हारे बाल में खटमल है और इधर हवा में बहुत मच्छर है। Really? Oh yes, I am shocked. तुम इधर आराम से बैठा, आराम से घूमता है और उधर मलेरिया का सबसे मच्छर तुमको ढूंढता है। अरे beautiful, beautiful, छोकरी लोगों को किधर किधर काटता है मालूम है? अच्छी, अरे हमको कंप्लेंट मिला है। लेकिन हमने कोई कंप्लेंट नहीं किया है। अरे यही तो कंप्लेंट मिला है। एक क्या मच्छी मार्केट बना रखा है। ये देखो कितना मच्छर मर गया, आधा उड़ के घर गया। थैंक यू, बोलो। इट्स ऑल राइट। एक्चुअली मैडम, मेरा बात सुनो, मैडम मेरा बात सुनो, मैडम हेलो मैडम, एक्चुअली क्या हो गया, आज से 6 महीना पहले ऊटी के गर्ल्स हॉस्टल के मैडम को 2 मच्छरों ने काटा, वो 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में गया। व्हाट? ओ यस, आज से 9 महीना पहले दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के मैडम को 2 मच्छरों ने काटा, वो 9 महीने के लिए हॉस्पिटल में गया। उसका बदन सूज कर बटाटा फड़ा हो गया और उसके बाद उनकी जिंदगी का खटिया हमेशा के लिए खड़ा हो गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। आपके लिए नहीं, को देख लीजिए, अभी को देख लीजिए। पिछली बार जब मैं पेस्ट कंट्रोल के लिए आया था तो इनका क्या रंग था, क्या रूप था, मगर मच्छरों ने काट काट कर इनकी हालत खराब कर दी है। हाथ पतला हो गया, गाल पतला हो गया है, इनको देखकर मेरा हाल पतला हो गया है। हाँ, और इस मुटल्ली को देखिए, पहले ये श्रीदेवी लगती थी। हाँ। अब फूल गोभी लगती है और मच्छरों की वजह से इसका खून पानी हो गया। हाँ। है, हवा भरती जा रही है, ट्यूब भरती जा रही है। यस, मैंने सुना है कि बड़ी खतरनाक मधुमक्खियां आपके आसपास मंडरा रही हैं। मेरे आसपास? मतलब आपके हॉस्टल के आसपास। इससे पहले कि ये खतरनाक मधुमक्खी आपको काटे, आप अपना पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। नहीं, मतलब अपने हॉस्टल का पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। तो ऐसा बोलो ना लड़कियों, तुम सब लोग बाहर चली आओ और तुम लोग सब रूम में जाके स्प्रे करो, है क्या, समझे? भाई साहब, भाई तू अंदर का मामला संभाल, मैं बाहर का संभालता हूँ। अरे बीमारी हटा रहा हूँ मैडम। कहाँ है बीमारी? अरे बीमारी सिर्फ कमरे में नहीं, शरीर के ऊपर भी होती है। शरीर के ऊपर?
सामने देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा जैसे सारे जहां का हुस्न सिमट कर तुम्हें समा गया। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम सुंदरता की जीती जागती मूर्ति हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अर्जुन, तुम्हें मेरी आंखों में नीली झीलें तो नजर नहीं आएंगी, मगर इनमें तुम्हारा रूप सदा बसा रहेगा। ये खून गुलाब की पंखड़ियां ना सही, लेकिन हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करते रहेंगे। देखो अर्जुन, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, बड़ी तकलीफों से मेरी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहोगे? इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्मों तक तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूंगा। सच? आहिस्ता बोलो आहिस्ता। ये बहार, ये वादियां, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त सब सुन रहे हैं। लेकिन वो तो बेजुबान है, हमारी जुबान क्या जाने। अरे नहीं निशा, ये सुनते भी हैं और सुना भी दिया करते हैं। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। आओ देखा, अब तुम बोलो। अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी है। वरना ये वादियां, ये बहार, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त सब तुमसे रूठ जाएंगे। ये सब गम है हमारे प्यार के, आज अपने पहले प्यार का इकरार गूंजने दो इन वादियों में। करने वाले तो मरते दम तक इंतजार करते हैं। देख बस भी आ चुकी है, चल। लेकिन वो आने वाला है ना? वो अब नहीं आने वाला, चल अब। वो आने वाला है। ओ, चल अब, चल अब तू। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही है? पागल हो गई है लड़की। अब बैठ भी जा। अर्जुन, हाय। निशा। अर्जुन, अर्जुन। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुमसे वादा जो किया था। अर्जुन, तुमसे बिछड़ते हुए न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। घबरा मत, मैं जल्दी अपनी पोस्टिंग करवा कर बंबई आ रहा हूं। मैडम बस जाने वाली है, जल्दी आइए। अर्जुन जाओ, मैं आ रहा हूं। कौन है तुम लोग?
थे लोग जो मर्द होकर एक औरत से लड़ रहे थे? औरत से नहीं, सच्चाई से लड़ रहे थे, कानून से लड़ रहे थे, क्योंकि मैं शहर की एक वकील हूँ, एडवोकेट ज्योति ठाकुर। और जिस दिन मैं एक नया मुकदमा ले लेती हूँ, उस दिन एक नया दुश्मन तो पैदा हो ही जाता है। दरअसल ज्योति जी, हमारा पेशा ही ऐसा है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, हमारे दुश्मन और दुश्मनी भी बढ़ती जाती है, और हम आगे बढ़ते हैं। आप बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको अपने घर चाय पर बुलाकर शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। Oh, sure, why not? ये लीजिए मेरा कार्ड। आज शाम को 6 बजे एक वकील को एक इंस्पेक्टर का इंतजार रहेगा। See you. Thank you. Bye-bye. Bye.